फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने कनाडा को यादगार वापसी से रोका। कतर में ट्रॉफी की प्रबल दावेदार माने जा रही विश्व की नंबर दो टीम बेल्जियम ने विश्व कप अभियान में वैसी शुरुआत नहीं की जैसी उससे आशा की गई थी। बुधवार देर रात खेल गए मैच में बेरंग दिखी बेल्जियम ने अंतिम मिनटों में मिंकी बासुयास के गोल की बदौलत 36 साल बाद विश्व कप में वापसी कर रहे कनाडा को हरा दिया। लेकिन कोच राबर्टो मार्टिनेज और कप्तान केविन डी ब्रूस टीम के प्रदर्शन से नाराज दिखे। बेल्जियम के गोलकीपर थिबाउट कोनाइस ने अगर शुरू में पेनाल्टी नहीं बचाई होती तो विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर हो सकता था। इस मैच में बेल्जियम के लिए जीत के अलावा मैच में जश्न मनाने वाली कोई अन्य चीज नहीं रही। बेल्जियम की टीम को कुछ अवसरों पर कनाडा ने चुनौती दी। कनाडा ने विश्व कप के इतिहास में अब तक जो 4 मैच खेले हैं वह उन सभी मैचों में गोल करने में नाकाम रहा है। उसने 1986 के विश्व कप में 3 मैच खेले थे जिसमें वह गोल नहीं कर पाया था। कनाडा ने शुरुआत से आक्रमण रवैया अपनाया जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वे उसने गोल पर 21 शॉट लगाए। बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हराया है और एक बार एक बड़ा उलटफेर होने से बच गया। इसी तरह के फीफा कप वर्ल्ड कप से जुड़े हुए लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि मेरा जो वीडियो आए वो आप तक पहुंचे सबसे पहले।